हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप लोग देख रहे हैं क्विज। तो मैंने आपको पहले आपको एक इन्वर्टर बना करके दिखाया जो कि DR-8580 के ट्रांजिस्टर से मैंने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो, या आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये थंबनेल हमने सेट किया है इन्वर्टर वाली वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ बना करके दिखाने नहीं वाला हूँ। मैं आपको जो इन्वर्टर में जो बनाया था उस पर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि वो इन्वर्टर से क्या क्या सामान को चला सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं लेकर के आ गया हूँ इन्वर्टर जो कि मैंने आपको बना करके दिखाया था D-882 के ट्रांजिस्टर से। तो फ्रेंड्स, ये काफी अच्छे तरह से वर्क किया था, मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हो। यहाँ पर आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा और भी कंपोनेंट्स के साथ, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, LEDs होते हैं, सोल्डरिंग आयरन होते हैं, तो वो मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा कि जो वो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो इससे वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इसका वायर था फ्रेंड्स चार्जिंग का, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपको इसे चार्ज करना होगा फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो, या आप यहाँ पर सोलर से भी चार्ज कर सकते हो। और जब आप इसे स्टार्ट करोगे फ्रेंड्स, तो ये जो राइट साइड की जो LED है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा जो कि ये LED है जो कि 0.5 वाट की है। मैं आपको सबसे पहले जितने भी LEDs मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाऊंगा वीडियो में, तो वो मैं आपको सभी को AC बोर्ड से चेक करके दिखाऊंगा। अब मैं ले रहा हूँ एक 3 वाट का बल्ब जो कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको इसी बल्ब को चेक करके दिखाया था इन्वर्टर में। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 9 वाट का भी एक बल्ब ले लिया है, मैं आपको इसे भी चेक करके दिखा दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक 100 वाट का बल्ब ले रहा हूँ जो कि आपके पास यही होगा फ्रेंड्स LED। अगर आपके पास ये LED वाली बल्ब नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं सोल्डरिंग ले रहा हूँ जो कि मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हो। काफ़ी चीप प्राइस में ये पूरा सर्किट मिल गया था फ्रेंड्स, तो आप भी ले सकते हो, काफ़ी सस्ता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं जो 3 वाट का जो बल्ब है, मैं आपको सबसे पहले उसे चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये AC वाली बोर्ड है, तो मैं आपको इससे पहले चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से वर्क कर रही है, मतलब ये AC वाली बोर्ड है फ्रेंड्स, कोई भी DC बल्ब मैंने यूज नहीं किया है। काफ़ी लोग यही सोचेंगे कि मैं फेक वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं रियल वीडियो बनाता हूँ। मैं खुद ट्राई करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं इस पर कोई भी अभी तक ट्राई मैंने नहीं किया है। मैं आपके सामने ही मैं इसे चेक करूँगा कि जितने भी सामान है वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये काफ़ी गर्म हो जा रहा है, तो मैं इसे थोड़ी देर ही रख पा रहा हूँ, लेकिन ये 100 वाट का बल्ब है, ये तो आपको पता चल ही गया है। अब जो 9 वाट का जो बल्ब है फ्रेंड्स, मैं आपको उसे भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरी नई है फ्रेंड्स, जितनी भी आप यहाँ पर LED देख रहे हो ये सभी LED नई है, जिसे मैंने आज ही मतलब खरीदा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी अच्छी तरह से ये वर्क कर रही है। अब जो हमारा जो यहाँ पर सोल्डरिंग यहाँ पर देख सकते हो, अब मैं आपको इस सोल्डरिंग को भी चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक इंडिकेटर लाइट है जो कि स्टार्ट करने पर ये स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हो लाइट यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रही है क्योंकि मैं यहाँ पर इसे ऑन ऑफ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हो रसोड़े में कौन था फ्रेंड्स? ये अभी काफ़ी वायरल हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी टॉपिक पर। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो इन्वर्टर मैंने बनाया था, अब मैं इससे आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 3 वाट का जो बल्ब है उसे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर दबा देगा फ्रेंड। काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, तो इस वीडियो के लिए आप लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाई के साथ शेयर कीजिए। इससे यह फायदा होगा फ्रेंड, आप भी इस इन्वर्टर को बना सकते हो, आपके भाई दोस्त जितने भी हैं वो सभी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हो, ये जो LED है ये स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो इसका जो वोल्टेज है वो काफ़ी लो है, मतलब जो इसका लाइट है वो हाई नहीं जल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आगे की वीडियो में इसमें कोशिश करूंगा कि इसका जो वोल्टेज है वो मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी। तो आप लोग इसे पहले पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोग इसे बनाते हो तो आपने से खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे, और ये अगर खराब हो जाता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा। मैं आपको व्यू के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक इन्वर्टर है, इसमें AC करंट आ रहा है। अगर आप किसी भी मतलब यूज ले सकते हो, अलग से मान लीजिए अपने से अगर सेट करते हो तो ये डैमेज हो सकता है, ब्लास्ट भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यहाँ पर 100 वाट का जो बल्ब लगाया, तो अंदर से जो इन्वर्टर है वो आवाज़ कर रही, मतलब साउंड इसमें काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये काफ़ी हैवी लोड है। तो मैं इसे नहीं चलाऊंगा, मैं तुरंत इसे खोल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 100 वाट का तो बल्ब नहीं जल सकता है,
तो आप लोग इसे मत ट्राई कीजिएगा। मैं जब वीडियो बना दूंगा कि इसे मतलब 100 वाट का बल्ब जलाया जा सकता है या नहीं जा सकता है, तभी आप इसमें ट्राई कीजिएगा, वरना आपकी जो ये इन्वर्टर है ये खराब हो जाएगी और आपको ट्रांजिस्टर मिल भी नहीं रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी मतलब इजीली ये मिलता नहीं है। तो फिर भी यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग आयरन को लगा दिया, तो ये अच्छी तरह से ये वर्क कर रही है। मतलब ये अब ये गर्म होता है या नहीं होता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको चेक करके ही दिखाऊंगा। तो मैं थोड़ी देर इसे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, मैंने इसे पूरी 10 मिनट मैंने इसे छोड़ा है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये तो गर्म नहीं हो रहा है, मतलब ये सिर्फ लाइट जो इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये चालू तो हो गया लेकिन जिसका मतलब इसका जितना वोल्टेज मतलब इसे मिलना चाहिए उतना ये वोल्टेज नहीं दे पा रहा है, तो ये सोल्डरिंग नहीं चल रहा है। आप लोग इन्वर्टर जो बनाते हो वो सिर्फ आप 3 सामान के ही लिए बनाते हो। सबसे पहला तो ये कि आप घर में LED जला सकते हो, दूसरा यही कि आप इससे मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, तीसरा पॉइंट ये कि आप इससे सोल्डरिंग ग्लूगन ये सब चला सकते हो। यहाँ पर देखते हो फ्रेंड, यहाँ पर AC बोर्ड है या नहीं है वो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ इस टेस्टर से, जो कि AC टेस्टर है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये लाइट जल जा रही है, मतलब ये AC वाली बोर्ड है फ्रेंड। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो काफ़ी मेहनत लगी है फ्रेंड्स इसे बनाने में, तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि इसका जो वोल्टेज है वो बढ़ जाए, तो मैं वो भी वीडियो जल्दी से लेकर आ जाऊंगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप लोग 100 वाट का बल्ब अभी यूज मत कीजिएगा, वीडियो की आप वेट कीजिए, मैं बना दूंगा। तो फ्रेंड यहाँ पर तो मैंने काफी देर तक सोल्डरिंग को छोड़ दिया लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, तो फ्रेंड मैं कोशिश करूंगा कि जो इसका वोल्टेज है उसे हम बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे पर दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक ले जय हिंद।